नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देंगे इसुजु वी क्रॉस के म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर सभी डिटेल्स, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे कैसा म्यूज़िक सिस्टम है और क्या आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीकर सेटअप, फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो स्पीकर्स आपको आगे डोर में दे दिए गए हैं, यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट है। उसके बाद ट्वीटर्स की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर में प्लेसमेंट कर दी गई है ट्वीटर्स की। इसके बाद चलते हैं रेयर में तो दोस्तों, रेयर में भी सेम प्लेसमेंट है आपके स्पीकर्स की, ये आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप रूफ़ की तरफ एक बार नज़र डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स या ट्वीटर्स की प्लेसमेंट दे दी गई है। तो दोस्तों, ये कुछ इसका सेटअप है म्यूज़िक सिस्टम का। अब आपको ऑडियो टेस्ट वगैरह सुना देते हैं इस गाड़ी का। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि इसका म्यूज़िक सिस्टम क्या क्या फीचर्स लेके आता है और कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन करना है अपना, ये आप देखेंगे तो फुल स्वाइप नीडल्स के साथ मेरा इग्निशन ऑन हो चुका है और कन्फर्म्ड कनेक्शन विद द मोबाइल टेलीफोन ये बता रहा है। दोस्तों, AM का ऑप्शन आता है इसमें, FM का ऑप्शन आता है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो आप इसमें CD वगैरह भी लगा सकते हैं, हालांकि आजकल CDs नहीं चलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों, इसके अंदर USB और AUX का ऑप्शन दिया गया है रबराइज्ड कवर के साथ, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। अब ब्लूटूथ ऑडियो की बात कर लेते हैं तो इसमें सेटिंग्स में जाके आपको ब्लूटूथ ऑन ऑफ वगैरह के ऑप्शन है, रिपीट रैंडम वगैरह के ऑप्शन है और टच रिस्पॉन्स भी आप इस टाइम देख सकते हैं। नए डिवाइस से कैसे कनेक्ट होगा आपको दिखा देते हैं। उसके अलावा यहाँ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं और मैं आ चुका हूँ ब्लूटूथ के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों, अब ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं, कनेक्शन का बटन आ चुका है और ये आप देखेंगे पहले के 4 कनेक्टेड डिवाइसेस। अब ऐड न्यू पे जाना है मुझे और मैं अपना दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देखेंगे तो सेटिंग्स में जाके मेरे को डिवाइस नेम मिलेगा कार ऑडियो, डिवाइस एड्रेस ये मिलेगा और पास कोड आपका ये है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए A40450 ये वाला आपका यहाँ पे शो कर रहा है। कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं तो इसमें दिखा रहा है पेयरिंग, मैं ब्राइटनेस अपनी फुल कर लेता हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है पेयर विद कार ऑडियो, पेयर कर देते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, कनेक्शन कम्प्लीटेड यहाँ पे लिखा आ चुका है सैमसंग M32, ये आपका डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है और ब्लूटूथ का लोगो इस पे है तो ये कनेक्ट हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों, अब वापस से चलते हैं मोड में तो यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है फ़ोन का जिसमें आप डायरेक्टली कोई भी नंबर डाल के डायल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अब कोई गाना बजा के आपको सुना देते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है इसके म्यूज़िक सिस्टम का। तो दोस्तों, ये रहा हमारा YouTube और इसमें कोई सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। कार ऑडियो इज़ रिक्वेस्टिंग परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री, यू कैन चेंज दिस लेटर इन ब्लूटूथ सेटिंग्स। तो दोस्तों, आपको अलाउ करना है या नहीं ये आपकी मर्ज़ी है। वहाँ देखेंगे तो लिखा आ रहा है ट्रांसफरिंग द फ़ोन बुक, प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। अलाउ कर दिया है पर कॉन्टैक्ट्स आपको नहीं दिखा सकते हैं तो मोड चेंज कर देते हैं अपना। अब दोस्तों, यहाँ पे NCS म्यूज़िक सर्च कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा NCS म्यूज़िक। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लूटूथ मोड पर डाल दिया और स्टार्ट कर देते हैं अपना सॉन्ग इफ फाउंड डेड ऑफ नाइट। तो यहाँ आप देखेंगे
तो दोस्तों देखा आपने, हमने पूरा गाना आपको सुना दिया है, और बीट्स वगैरह कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस टच स्क्रीन सिस्टम की बाकी चीज़ों की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसमें रिवर्स कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी ऐसी है, बाकी ब्राइटनेस वगैरह में भी इसुज़ू थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है फ्यूचर में। बाकी दोस्तों वापस पी में डाल दिया, और ये कुछ ऑप्शंस थे इसके अंदर। मैनुअल कंट्रोल्स की बात करें तो मेन्यू, डिस्प्ले, ऑडियो, फ़ोन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में ब्लूटूथ और सेटिंग्स, और इसमें लिंक टू डे नाइट व्यू, हेडलाइट ऑन ऑफ, गाइड टोन, क्लॉक वगैरह, टाइम सेटिंग्स। ऑडियो में जाते हैं तो आपका ब्लूटूथ ओपन हो जाएगा, और फ़ोन में आपका फ़ोन ओपन हो जाता है। उसके अलावा ट्रैक चेंज करने का, वॉल्यूम अप डाउन करने का, ये देखेंगे तो यहाँ पावर बटन दे दिया गया है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इतना ही था, इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी आपको इसुज़ू वी क्रॉस के म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड। होप करता हूँ सभी चीज़ें आपको बता पाया होंगे, समझा पाया होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।